आपको पता है आज का ना दिन कुछ ज्यादा ही खराब है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मौसम खराब है, मौसम तो है ही, कभी अच्छा हो जाता है कभी बुरा हो जाता है। सबसे पहली दिक्कत तो आ रही है लाइटिंग की, अभी जैसी लाइट आ रही है कभी इसके मुकाबले बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा उजाला होता है, पता नहीं क्या मौसम ने मजाक लगाया हुआ है। दूसरा मजाक कर रही है किस्मत, 2-2.5 घंटे मेहनत करने के बाद में आपके लिए 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो शूट करने के बाद में, जिनको शूट करने में आधे घंटे से ऊपर का समय लग जाता है, एक वीडियो को 3 शूट किए थे, उसके बाद पता चला हमारे माइक ने काम नहीं किया, हमारी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, और टेक न्यूज आज तीसरी बार अब शूट होने लग रही है। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे वीकली टेक न्यूज के एक और एपिसोड में। एंड इस वीक भी काफी सारे अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। वैसे मैं एक बार शेयर कर चुका हूं, दूसरी बार भी कोशिश कर चुका हूं, अभी तीसरी बार मैं शेयर कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से, जो कि है आप लोगों का एक सवाल कि 15,000 से 30,000 की रेंज में कौन सा फोन लेना चाहिए। तो अभी तक इतने ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब मार्केट में ऑप्शन आने लगे हैं और इन फ्यूचर और भी आने वाले, जैसा मैंने आप लोगों को अपने क्यू वीडियो में भी बताया था। तो सबसे पहला फोन आ गया है OnePlus Note 2, जिसके अंदर आपको Dimensity 1200 AI प्रोसेसर देखने को मिलता है। काफी अच्छा फोन है, अगर आप किसी मिड रेंज फोन को देख रहे थे 30,000 की रेंज में, तो ये आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। वहीं अगर गेमिंग की बात करते हैं तो गेमिंग एडिशन में सेम ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन वाला फोन आपको देखने को मिलता है, जो कि है Poco F3 GT, और इसके अंदर आप काफी अच्छी गेमिंग कर पाओगे। इवन गेमिंग के लिए इसमें आपको ट्रिगर वाला जो फीचर होता है ना, जो आप ROG में देखते हो एयर ट्रिगर, तो एयर तो इसके अंदर नहीं है, फिजिकल ट्रिगर है, लेकिन ट्रिगर आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप कुछ दिन और रुकना चाहते हो तो Realme GT मास्टर एडिशन भी आने वाला है, उसके लिए आप लोग रुक सकते हो। और अभी जब प्रोसेसर के जिक्र हमने किया है तो Dimensity 1200 तो हमने देख लिया कैसा परफॉर्म करता है, अब नया Dimensity का एक और प्रोसेसर आने वाला है जिसका नाम होने वाला है 1300T, और ये सक्सेसर होगा 1200T का। इसके अंदर आपको बेहतर बैटरी एफिशिएंसी, बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर पावर कंजप्शन और बेहतर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। वेल अभी सिर्फ खबरें आई हैं, कुछ कुछ चीजें लीक होकर आनी शुरू हुई हैं, जब ऑफिशियली MediaTek इसको रिलीज कर देगा तब देखेंगे ये कितना पावरफुल होता है। और अभी जब 1300T की बातें आ गई हैं तो आपको बता दूं सबसे पहले कहां देखने को मिलेगा, तो ओनर का V7 टैब करके एक टैबलेट आ रहा है, जिसके अंदर आपको ये प्रोसेसर पहली बार देखने को मिल सकता है। तो ओनर वालों ने तुरंत इसका हाथ पकड़ लिया कि आप प्रोसेसर लेके आओ, हम तो तैयार बैठे हैं आपके प्रोसेसर को अपने टैबलेट में लगाने के लिए। और बाय द वे नाम होगा ओनर टैब V7 प्रो, वो पहले वाला जो मैंने बताया था मिलता जुलता था, लेकिन ये एग्जैक्ट नाम है। और प्रोसेसर से ही जुड़ी एक खबर और आई है, आपको पता होगा प्रोसेसर जो डिजाइन होते हैं कंपनियां बनाती हैं, लेकिन उसका जो आर्किटेक्चर होता है ARM माली ये सब बनाते हैं, तो ARM एक ऐसी कंपनी है जो आर्किटेक्चर बनाती है, और इन्होंने पहली बार प्लास्टिक प्रोसेसर यानी प्लास्टिक चिप बना ली है। अभी तक जो आपकी चिप बनती थी वो बनती थी सिलिकॉन से, जो कि आपका जो रेत होता है ना उससे निकलता था। बाय द वे ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर पूरी वीडियो बन सकती है, अगर चाहिए तो बताना बनाऊंगा आपके लिए। और हाँ, अब प्लास्टिक के चिप बनने शुरू हो गए हैं, जो कि आपके रोलेबल फोल्डिंग और अजीब अजीब से जो फोन होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ फ्यूचर रहता है इन्हीं प्लास्टिक चिप्स का, और कब ये हमें हमारे फोन में देखने को मिलते हैं। बाय द वे सक्सेस रहता है फेल रहता है, वो सारी चीजें भी देखने वाली रहेंगी। अगली खबर की बात करते हैं तो आ रही है किसकी तरफ से, जेफ बेजोस पाजी यानी कि हमारे अमेजोन के कर्ता धर्ता या मालिक साहब, जो भी आप इनको कहना चाहो, इन्होंने 20 तारीख को डिसाइड किया था कि ये स्पेस में जाएंगे। तो हाँ, अपने कहे अनुसार ये स्पेस में गए, और सिर्फ 10 ही मिनट के अंदर इनका जो स्पेसशिप था या जो भी रॉकेट था वो जमीन से उड़ा, उसने टेक ऑफ किया, ऊपर पहुंचा और ऊपर से वापस आ गया। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये सारा काम हो गया, और इन्होंने ये कहा था कि मैं स्पेस में जाऊंगा, स्पेस में रुकूंगा, ऐसा कुछ नहीं कहा था, इसीलिए 10 मिनट के अंदर इनकी यात्रा शुरू होकर के खत्म भी हो गई और ये सक्सेसफुली धरती पे वापस आ गए हैं। अगली खबर आ रही है उन लोगों के लिए जो विंडोज के फैन हैं, मैं भी हूं, क्योंकि भाई ऑप्शन नहीं है अपने पास, विंडोज ही चलानी है। तो अगर आप विंडोज 7, 8, 8.1, 10 कुछ भी चला रहे हो और आपका मन है कि मैं 11 एक बार अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके ट्राई करना चाहता हूं, तो भाई ट्रस्टेड जगह से ही इसको इंस्टॉल करना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विंडोज 11 के जो इंस्टॉलर हैं उनके अंदर मैलवेयर आने लगे हैं। आप पता चला कुछ अच्छा करने निकले उल्टा खुद ही फंस गए, किसी का शिकार हो गए, तो ये सारी चीजों से बच करके रहना ताकि आप थोड़ा सा सुरक्षित रहो। और किसी भी ऑफिशियल जगह से, कोई ऑफिशियल ISO है या आपने विंडोज का इनसाइडर प्रोग्राम ज्वाइन किया है, वहां से ही विंडोज 11 को इंस्टॉल करना। और गोरिल्ला ग्लास का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, I mean वही ग्लास जो आपके फोन की स्क्रीन पे और कई बार बैक में भी लगता है ताकि आपके फोन को प्रोटेक्ट रखा जा सके। और नॉर्मल किसी भी ग्लास के मुकाबले जो गोरिल्ला ग्लास होता है थोड़ा सा ज्यादा मजबूत होता है, वो आसानी से टूटता नहीं, आपके फोन पे स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने नया स्टेप बढ़ाया है, फोन के जो आपके कैमरा होते हैं ना उनके जो ग्लासेस होते हैं उस पर स्क्रैचेस आते हैं कई बार, तो अब कॉर्निंग वाले आपके फोन के कैमरा के लिए भी गोरिल्ला ग्लास बनाएंगे, जो कि है DX और DX1, बेसिकली ये उन दोनों के नाम हैं, और ये आपके फोन में इस्तेमाल किए जाएंगे, आपके फोन के कैमरा को स्क्रैच से बचाया जाएगा। इसी के चलते थोड़ी सी लाइट ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा आपके फोन का कैमरा, तो पिक्चर की जो क्वालिटी है थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी। और हाँ,
इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी किसी नॉर्मल ग्लास के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा बताई जा रही है। तो अब आपको गोरिल्ला ग्लास देखने मिलेगा आपके फोन के कैमरास में भी। और अगली खबर आ रही है गूगल की तरफ से। तो गूगल ने डिसाइड किया है आपके फोन के बैकअप जो अभी तक आप लेते थे गूगल ड्राइव पे, उनको शिफ्ट किया जाएगा गूगल वन पे। गूगल वन क्या है जिन लोगों को नहीं पता, बता दूं, गूगल की क्लाउड स्टोरेज सर्विस है जहां पैसे देकर के कुछ क्लाउड स्टोरेज गूगल से ले सकते हो उधार के तौर पर। जब तक पैसा देते रहोगे तब तक आप किए नहीं दोगे तो फिर वो वापस ले लेंगे उस चीज को। तो ये आपके बैकअप के लिए अब इस्तेमाल किया जाने वाला है गूगल के द्वारा। और मुझे नहीं पता ये फ्री होने वाली है पेड होने वाली है, क्योंकि गूगल ड्राइव में तो 15 GB फ्री मिलता था लेकिन इसका गूगल वन का कोई भी फ्री सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो भाई मेरा तो ये कहना है गूगल वालों से कि 15 GB को ही उठा करके चाहे वहां शिफ्ट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, लेकिन फालतू में यूजर से पैसा मत मांगना। आप लोग बहुत कमा रहे हो, कितना कमाओगे। अब बात कर लेते हैं एयरटेल के बारे में। तो एयरटेल कोशिश करने लग रहा है ये चीजें रोकने की। कौन सी चीजें? चीजें मतलब अभी हमारे देश के अंदर 5G नहीं आया लेकिन हर कंपनी ने 5-5, 7-7 5G फोन जरूर लॉन्च कर दिए हैं। तो जब हमें यही नहीं पता कि 5G हमारे देश में कब आएगा, अब आप बोलोगे अगले साल आ जाएगा, ठीक है मैंने आप लोगों की बात मान ली अगले साल आएगा, लेकिन पूरे देश में थोड़ी ना आ जाएगा। कई छोटे गांव होते हैं, छोटे शहर होते हैं, सब जगह एक ही दिन में नहीं आता है, धीरे धीरे स्प्रेड होता है, आने में भी समय लगेगा, 2-3 साल लग जाएंगे। लेकिन कंपनियों ने फोन पहले बना दिया हमारे फोन के अंदर 5G है, तो भाई उन फोनों का क्या होना। तो एयरटेल इस चीज को रोकना चाहता है, वो कोशिशें कर रहा है, आई मीन कुछ लीगल एक्शन या कुछ कोर्ट में अपील वगैरह वो आई थिंक कर रहे हैं कि 5G फोन को रोक दिया जाए जब तक सरकार परमिशन नहीं देती कि कौन से स्पेक्ट्रम चलेंगे। और ये बात ठीक भी है, एयरटेल की कोशिश का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक यही नहीं पता कि किस बैंड पे हमारा 5G अलॉट होगा इंडिया में, तब तक ब्रांड्स को कैसे पता है कौन से बैंड्स अपने फोन के अंदर देने हैं। और एयरटेल ने ना एक और चीज ये भी अनाउंस की है कि हम अपना 5G इंडिया में डिप्लॉय करने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं इंटेल के साथ में। और ये इंटेल वही है जो आपके ज्यादातर कंप्यूटर्स के प्रोसेसर बनाता है, तो एक जानी मानी कंपनी है, भरोसेमंद कंपनी है, और इसकी मदद से इंडिया में अपने 5G को एयरटेल लेकर के आएगा, ऐसा दोनों ही कंपनियों ने अनाउंस कर दिया है। तो देखते हैं कब तक हमें सारी चीजें अप्लाई होती दिखती है रियल वर्ल्ड में। और अगली खबर आ रही है मुजरा कंपनी की तरफ से। आई मीन दिल पे मत ले लेना मैं बात कर रहा हूं, शक्ल तो देखो मजाक करने वाली बची नहीं है, इतनी मेहनत के बाद मैं थक चुका हूं पूरी तरह से, लेकिन शूट कर रहा हूं फिर भी करना तो पड़ेगा यार, आप लोगों के लिए करना तो पड़ेगा। तो हाँ, टिकटॉक वापस आ रहा है। कुछ लोग खुश हो गए होंगे, कुछ दुखी हो गएंगे। तो जो दुखी हो रहे हैं दुखी मत हो, मैं भी दुखी होता था बट अब खुश हूं। अब खुशी का राज नहीं जानना चाहोगे? खुशी का राज ये है कि जब से टिकटॉक गया है हर जगह गंद मची पड़ी है, हर जगह पे तैरता हुआ दिख रहा है, मतलब समझ रहे हो ना क्या तैर रहा है। तो हाँ, इंस्टाग्राम आप चले जाओ, यूट्यूब पे आप चले जाओ, दुनिया भर की एप्लीकेशन है, चिंगारी पिंगारी टिंगारी पता नहीं क्या क्या करके, हमें इतना सब नहीं चाहिए। टिकटॉक वापस लेके आ जाओ, ये सारा जो भी रायता फैल रहा है ना उसी पे समेट दो। और मैं तो कहता हूं जिसके 2 मिलियन फॉलोअर थे ना बैन होने से पहले, उसको 4 मिलियन दे दो, कुछ नहीं जा रहा। लेकिन ये भाई साहब नाम से ना हो पाएगा, इससे थोड़ी सी राहत दिलाओ। और नाम सेम रहने वाला है टिकटॉक, स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होगी, TICKTOCK, बोलने में टिकटॉक ही बोला जाएगा, नाम अलग है, पबजी आ गया, ये भी लग रहे हैं, आने दो। और अब बात कर लेते हैं एक ऐसी चीज की जिसने आजकल बहुत सारे टेकी पर्संस की नींद उड़ाई हुई है। बात कर रहा हूं स्पाईवेयर की, जिसका नाम है पेगासस। किसी एक देश ने बनाया है, गूगल करोगे मिल जाएगा, आई थिंक इजराइल है, नाम बोल दिया, पिछली बार तो नहीं बोलता जब पहले शूट करी थी टेक न्यूज, क्योंकि इन्होंने इसको बनाया है जासूसी करने के लिए। अब आप लोग सोचोगे कि क्या बड़ी बात है, हर दिन आया रहता, तो भाई बड़ी बात है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने लिंक क्लिक किया तब आपके फोन में इंस्टॉल होगा, आपने कोई मेलवेयर वाली एप्लीकेशन डाउनलोड की तब आपके फोन में इंस्टॉल होगा, आपने कुछ ना किया सही, आप नॉर्मल अपने फोन को यूज करोगे ना, उस नॉर्मल यूज में ही आपके फोन के अंदर आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और इतनी चीजें आप अपने फोन में नहीं कर सकते जितनी ये करेगा, आपके मैसेजेस पढ़ सकता है, उनके रिप्लाई कर सकता है, उनको डिलीट कर सकता है, फोन का कैमरा एक्सेस कर सकता है, सब कुछ जो आप करोगे ना वो कर लेगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करेगा। बट आपको डरने वाली बात फिलहाल में ये है कि अगर ये आपके फोन में आ गया तो क्या कुछ तबाही मचा सकता है, आपकी पूरी जासूसी हो सकता है। और एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए ये है कि इसका जो खर्चा आता है स्पाई करने का किसी भी इंसान पे, वो 70 लाख रुपए एक आदमी का आता है। एक इंसान को आप स्पाई करोगे 70 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो अभी आम आदमी तो इससे ट्रैक नहीं होने वाले, मे बी इन फ्यूचर पैसा वैसा कम हो जाए तब हो सकते हैं, अभी बिजनेसमैन पॉलिटिशियन और भी ऐसे ही लोग जो बड़े बड़े हैं जिनकी ज्यादा निगरानी रखने की जरूरत होती है उनको मॉनिटर किया जा सकता है इसी पेगासस से। और बाय द वे अगर आप इस पे कोई सेपरेट वीडियो चाहते हो डेडिकेटेड तो मैं बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अब बारी आती है इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पार्ट की, यानी कि आप लोगों का नाम लेने की। तो इस वीक के हमारे 3 फीचर कमेंटर्स हैं
HD तमिल कार्टून, सुभाषीष बेहरा, पीयूष सिंह। तो मैंने मैंने कांग्रेचुलेशंस आप तीनों को हमारा फीचर कमेंटर होने पर। और गाइज अगर आपका नाम नहीं आया है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक और इस पर प्यारा सा कमेंट कर दो, आपका नाम हम पिक कर लेंगे हमारे नेक्स्ट वीक की टेक न्यूज में और आप बन जाओगे हमारे फीचर कमेंटर। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना इन फ्यूचर भी ऐसे वीडियोस एंजॉय करने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं आने वाले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।